जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो यहाँ पर डाक विभाग भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, जो कि 40,890 टोटल यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है और 27 जनवरी से लेकर यानी आज से लेकर 16 फरवरी तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। इसके आवेदन कैसे करना है, पूरा रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट पेमेंट तक का पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस भर्ती की हर अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पर सभी स्टेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है आगे वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखिए। यहाँ से आएंगे तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली। अब यहाँ से आप जिस सर्कल से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर आप कह सकते हो जिस राज्य से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है आप सर्कल को लेके जाएंगे, ठीक है। ये कर्सर जो आप आ रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश पर मैं आऊँगा तो यहाँ पर आऊँगा तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। अब जिस इससे जो है फॉर्म फिलअप करने वाले हैं उस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर आप सर्कल लाते तो आपकी इसकी डिटेल्स भी दे दी जाती है, कितनी क्या वैकेंसी जो है यहाँ पर रखी गई है। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो है आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट दिखाई देंगे, जैसे जिस भी डिस्ट्रिक्ट पे आप क्लिक करोगे उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मैं बालाघाट पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पर जो पोस्ट है कुल इसकी अकॉर्डिंग दी हुई है, भोपाल है, इंदौर है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया है जहाँ जहाँ जो है पोस्ट खाली है और किस कैटेगरी में खाली है। तो फॉर्म जो है फिलअप करने के पहले उस चीज़ को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में या फिर जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं ना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म फिलअप कर सकते, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी, ठीक है। बाकी आप अपनी पोस्ट जरूर देख लीजिएगा कितनी क्या पोस्ट यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर जो है बालाघाट क्लिक करूंगा तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो अगला पेज जो है ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर किस तरीके से आगे की चीजें होने वाली है इस चीज को हम यहां पर समझते हैं। अब जैसे ही उस पर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने जो है जितने भी ऑफिस के नियम है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ चुका है पोस्ट और पिन कोड सारी डिटेल्स, तो यहाँ से आप इसको एक बार चेकआउट कर लेंगे। ये प्रोसीजर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप और स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का आगे का जो ऑनलाइन फॉर्म वाला जो प्रोसीजर है वो शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आगे का प्रोसीजर क्या है, ये आप लोगों का रजिस्ट्रेशन वाला जो पेज है वो ओपन हो चुका है और यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का डिटेल्स यहाँ पर मांगेगा। पहले नंबर पे यहाँ पर आप लोगों को आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर आप लोगों को जिसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का मेल आईडी यहाँ पर देना है, उसको वेरीफाई कर लेना है, ठीक। आगे तीसरे नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, मार्कशीट है, उसका यहाँ पर जो है नंबर आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपका फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ पर मैं सारा जो है टिक करके बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या चीज़ें किस तरीके से रहेगी, ठीक है। आगे देखेंगे यहाँ पर आगे की जो डिटेल्स है, यहाँ पर आप लोगों का 6वें नंबर पर जो है जेंडर सिलेक्ट यहाँ पर आप लोगों को करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का देखिए ये आप लोगों का जो है जेंडर जो सिलेक्ट करेंगे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो है, डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की कब से कब तक ली जा रही है इसको नोटिफिकेशन में एक बार चेकआउट करने के बाद ही जो है फिलअप करिएगा। आगे देखिए यहाँ पर आगे की डिटेल्स क्या करनी है, आगे यहाँ पर आप लोगों को कम्युनिटी जो है सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 10th क्लास पास अगर आप है तो यहाँ पर आप यस करेंगे, ठीक है, आप और किस स्टेट से आपने पास किया वो यहाँ पर जो है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने कौन से साल में जो है ये पास आउट किया है वो यहाँ पर आप जो है डाल देंगे कि आपने 10वीं जो है वो किस वर्ष पास की है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक टेक्स्ट शो हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर जो कैप्चा है, ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा, ये कैप्चा यहाँ पर दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। बाकी की डिटेल्स यहाँ पर मैं फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसीजर मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर बताता हूँ। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, देखिए ऊपर आपने मोबाइल नंबर डाल दिया है और जैसे ही यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है, ठीक है, और वो ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करना होगा। अब ओटीपी आप फिलअप करते हैं उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है उस पर आप लोगों को एक ओटीपी आएगा जब आप वेरीफाई करेंगे, तो ये ओटीपी यहाँ से दोबारा डालना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला है कि आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर आपका नाम, आपकी 10वीं की मार्कशीट के अनुसार आपके पिता का नाम, ठीक है। अगर आप सरनेम नहीं है आपके मार्कशीट में तो आप सरनेम न डालें, ठीक है, जैसा आपके 10वीं की मार्कशीट में लिखा है वैसा यहाँ पर आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने डाली, जेंडर आप सिलेक्ट करेंगे, मेल है, फीमेल है। उसके बाद कम्युनिटी, ठीक है, आप ओबीसी है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, एसटी है, एसटी जो भी है। उसके बाद आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ से आपने जो है 10वीं पास की है, उसके बाद कब किस साल आपने पास की वो सिलेक्ट करके यहाँ पर देखिए ये कैप्चा दिया हुआ है, यहाँ पर एक कैप्चा क्या दिया हुआ है, टू दिया हुआ है, ठीक है, एच दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, जी और एफ, ये डालने के बाद आप सबमिट कर देंगे। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के सामने आ जाएगा फर्स्ट स्टेज जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है, ठीक है। अब ओके करेंगे, देखिए आगे का जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को यहाँ पर करना होगा। आगे का प्रोसीजर क्या है जानते हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों की जो डिटेल्स है जो आपने डाली है अभी तक की वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर आप लोगों का फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 10वें पॉइंट में आधार नंबर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका आधार नंबर है। उसके बाद टाइप आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं अपना आधार नंबर डाल के आगे की डिटेल्स आप लोगों को बताता हूँ। आगे यहाँ पर आप लोगों को जो है डी एस सिलेक्ट कर लेना है ना, अगर यहाँ तो यस करेंगे अन्यथा इसको नो कर देंगे। यस कर दे तो आप टाइप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, कैटेगरी ए बी सी डी या फिर
जो भी है आपकी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको नो करूंगा और यहाँ पर आप नीचे आएंगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे आएंगे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो सिलेक्ट है लैंग्वेज जो सिलेक्ट रहेगी यहाँ पर करना है 10th क्लास की, ठीक है। किस क्लास जो लैंग्वेज में आपने 10वीं जो है पास की है, ठीक। इसको हिंदी करके ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंप्लॉयड अगर है तो यहाँ पर आप एस करेंगे, अन्यथा यहाँ पर नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर एम्प्लॉय अगर आप रहेंगे तो यस, यहाँ पर अगर यस कर दे तो यहाँ पर आपको NOC यहाँ पर डालनी होगी, ठीक। तो ये छोड़ देंगे, बाकी जो भी जो है जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है जो किसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ठीक है, तो वो उनके लिए ये कुछ इस तरीके की डिटेल्स रहेगी। बाकी यहाँ पर आप लोग ऐसा अगर करते हैं तो फिर आप लोगों को जो है यहाँ पर NOC का जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर अपलोड करना है फोटो, फोटो साइज 50 KB से लेकर 200 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए और JPG फॉर्मेट में, और जो सिग्नेचर रहेगा वो भी आप लोगों का 20 KB से 200 KB के बीच यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको फिलअप करता हूँ, उसके बाद आगे की डिटेल्स बताता हूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपने जो डिटेल्स डाली उसके बाद आपका फोटो अपलोड हो चुका है। कुछ इस तरीके से आपको फोटो अपलोड करना है और हो सके तो जो है आप लोगों को 3 महीने से अधिक पुरानी फोटो अपलोड नहीं करनी है, हाल ही की खींची हुई फोटो अपलोड करनी है। अब यहाँ पर आपका सिग्नेचर कुछ इस तरीके से रहना चाहिए, ठीक है। आपको बॉक्स में बना के जो है अच्छे से अपलोड करना है, जो कि 20 KB तक का होना चाहिए और फोटो 50 KB तक का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक कैप्चा आपको फिलअप करके जो है प्रीव्यू पे आप देख सकते हैं, है ना। प्रीव्यू देखने के बाद यहाँ पर देखिए आई हैव डिक्लेयर आप लोगों को कर लेना है कि आप लोगों का जो है सारी डिटेल्स मैंने सही फिलअप जो है की है। तो यहाँ से आप प्रीव्यू जो है इसका देख सकते हैं। देखिए आपका फॉर्म कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखाई देगा यहाँ पर, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, सारी चीज़ें सही है या नहीं है। ओके करेंगे, ओके करने के बाद यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए सबमिट आप जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पर आप जो है ये करने के बाद जो है जो भी आपकी डिटेल्स है उसको बदलाव नहीं कर सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कैप्चा का थोड़ा दिक्कत आ सकता है, इसको दोबारा आप अच्छे से जो है फिलअप करके आगे सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल नंबर पर एक OTP जा चुका है, ठीक है। OTP सॉरी आप बोल सकते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जा चुका है और यहाँ से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को दिखाई दे देगा। आपका नाम डिटेल्स सारी डिटेल्स जो आपने भरी वो यहाँ पर दिखाई आप लोगों को दे देगी, ठीक है। तो यहाँ से चेकआउट कर लेंगे अच्छे से, सारी डिटेल सही है, इसका प्रिंट आप ले सकते हैं, ठीक है। प्रिंट यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करेंगे और आगे जो है आप लोगों का फीस वाला पेमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से प्रिंट ले लेते हैं, उसके बाद हम फीस कैसे करना है उसके बारे में जानते हैं। अब आगे के प्रोसीजर के लिए यहाँ पर आप लोगों को ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, इसको नोट डाउन अच्छे से जो है आप कर लेंगे और यहाँ से देखिए अब क्या करना है इस चीज़ को आप समझते हैं। देखिए अब आपको फिर से जो है होम पेज पे आ जाना है ना, इसका जो होम पेज है उस पर यहाँ पर डायरेक्टली आ जाना है और आगे का डिटेल्स करना है। देखिए तो मैं फिर से आ चुका हूँ और यहाँ पर देखिए फी पेमेंट आप लोगों को करना है, ठीक है। पेमेंट आप लोगों को करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं और पे ऑनलाइन पे आप क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा, देखिए जो कि कुछ इस तरीके का, और यहाँ पर आप लोगों को ओके कर लेना है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पेस्ट कर देना है जो भी है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी जो है मोबाइल नंबर है ना और सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर दे दी जाएगी, है ना। तो यहाँ से आप आएंगे तो देखिए ये आप लोगों का हो गया है और यहाँ पर क्या करना है, देखिए मेक पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग और ये सब सारा जो है यहाँ पर चार्जेस कटने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को नीचे आना है और नीचे आएंगे तो मेक पेमेंट पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज है वो आपके सामने आ जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का रहने वाला है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर आप देखिए UPI वाला ऑप्शन है, आप किसी से भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं अपने ATM से। बाकी मैं UPI से यहाँ पर करूँगा और UPI से यहाँ पर आप लोगों को करने के बाद यहाँ पर आप मेक UPI पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे UPI, है ना, या फिर QR कोड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। QR पे आप क्लिक करेंगे, फोनपे से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं QR कोड सिलेक्ट कर रहा हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैंने QR कोड को स्कैन कर लिया है और ये रहा मैंने पासवर्ड डाला और यहाँ से जो ये पेमेंट वाला जो प्रोसीजर है वो यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये आगे अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, 100 रुपये इसके लिए पेमेंट जो है देना पड़ेगा आप लोगों को। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये पेज ऑटोमेटिक हो चुका है ओपन। और देखिए ये अगला प्रोसीजर क्या रहेगा इस चीज़ को यहाँ पर हम समझते हैं पेमेंट के बाद का। तो देखिए ये आप लोग का हो चुका है और यहाँ पर अगला पेज का हम थोड़ा इंतजार करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। अब देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, आपकी डेट देख पा रहे होगे, टाइम देख पा रहे होगे, पेमेंट की रिसिप्ट, इसका प्रिंट आप ले सकते हैं, ठीक है, और या फिर नहीं भी ले सकते, आपको जो चीज़ें अच्छी लगे कर सकते हैं। या फिर अब देखिए यहाँ से ये हो चुका है, अगला आपको क्या करना है ये चीज़ देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पर क्या करना है उस चीज़ को हम समझते हैं आगे की प्रोसीजर क्या रहने वाली है। अब फिर से आप लोगों को उसी पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आप देखेंगे तीसरा स्टेज है अप्लाई वाला, ठीक है। अप्लाई पे आप क्लिक कर लेंगे सिंपल सा और इसके बाद आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है। उसके बाद देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो आप लोगों ने देखा था और आपने जो सर्कल सिलेक्ट किया था, ठीक है, जो भी सर्कल सिलेक्ट किया था वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर भी आया हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद आगे का जो प्रोसीजर, देखिए ये आपका OTP आ चुका है आपके मोबाइल नंबर पर। हम मोबाइल उठाते हैं और यहाँ से OTP इंटर करते हैं और OTP यहाँ पर चलिए क्या है 2B, ठीक है, 2B6, ठीक है। OTP आपका मोबाइल नंबर आप सही दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। OTP डालने के बाद एक कैप्चा जो दिया हुआ है 7, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, काफ़ी मेहनत और इतनी गर्मी में
फैन को ऑफ करके वीडियो मैंने आप लोगों के लिए लाई है, तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग जेड कर देंगे और उसके बाद आर है और यल है, ठीक है। ये डालने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट आप जैसे ही करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है, अब यहाँ पर आपका जो है डिटेल्स डालना है, आपका जो एड्रेस है, ठीक है, हाउस नंबर क्या है ये आप लोगों को डालना है, और ये आपका परमानेंट, देखिए ये आपका वर्तमान एड्रेस है, ये परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो एड्रेस वाला सेक्शन जैसे कि आपका हाउस नेम, ठीक है, स्ट्रीट, ठीक है, विलेज का नाम, पंचायत का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, ये आप लोग आराम से यहाँ पर फिलअप करेंगे। देखिए मैं इसको फिलअप करता हूं, आगे की डिटेल्स देखते हैं। उसके बाद यहां पर देखिए ये आप लोगों का सर्कल, यहां पर बोर्ड आपने जो है 10वीं किस बोर्ड से पास किया है, ठीक है, एमपी बोर्ड से किया है या फिर एमपी यूपी बोर्ड से किया है या जिस भी बोर्ड से किया है वो आप यहां पर जो है सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर सिलेक्ट करूंगा मध्य प्रदेश वाला, ठीक है, मध्य प्रदेश सिलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने यहां से मध्य प्रदेश से जो है यहां पर पास किया है। उसके बाद यहाँ पर आपका मार्क्स वाला ऑप्शन आएगा, आपको मार्क्स यहाँ पर भरने होंगे, देखिए किस सब्जेक्ट में कितने क्या मार्क्स थे वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर लेना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने मार्क्स सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि आपके जो जो मार्क्स है वहाँ से आप देख के सिलेक्ट करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैथमेटिक्स में यहाँ पर अगर आपके पास कम नंबर है तो इसको बढ़ा सकते हैं, बाकी जो जितने नंबर है वही यहाँ पर लेने वाला है। उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू कर लेंगे, प्लीज ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आप लोगों का जो प्रोसीजर रहेगा, ये यहाँ पर आपका जिस बोर्ड से आपका 10वीं की डिटेल्स यहाँ पर देनी है, उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब जैसे आपने क्लिक किया तो देखेंगे आगे का प्रोसीजर, यहाँ पर ओके कर लेना है और यहाँ से देखिए कोई प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर बता देगा, इसको अच्छे से चेकआउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सही करके आगे बढ़ गया हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आ गया है आगे इसका फॉर्म का। अब देखिए यहाँ पर आप लोग डिवीज़न सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपने डिवीज़न है आपका एमपी डिवीज़न भोपाल या फिर जो भी है, ठीक है, बालाघाट मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया था। और उसके बाद आप नीचे आएंगे, देखिए आगे का प्रोसीजर क्या है, उसमें आपका देखिए पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरनी है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप यहाँ पर डिवीज़न सिलेक्ट करने के बाद पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर 1, 2, 3 जो भी आप जिस तरीके से यहाँ पर देना चाहे, बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर प्रेफरेंस रहेगी, ठीक है, तो कोई भी आप दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अकोला, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट इसमें तहसील वगैरह में सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली है, वो यहाँ से आप अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से जो है ये पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तो यहाँ से आप लोगों को प्रेफरेंस भर लेनी है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो डिक्लेरेशन आप लोगों को कर लेना है, टिक करना है, और यहाँ से आप लोगों को सेव एंड प्रिंट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो मैंने प्रेफरेंस नहीं भरी है, ठीक है, इसको मैं भर लूंगा और यहाँ से आपका जो है प्रिंट आउट आ जाएगा पूरा, और यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पर आपको जो है बालाघाट बखेरी में आप लोगों को देना है तो यहाँ पर आप इसको एक करेंगे, ठीक है, एक नंबर पर देंगे, उसके बाद फिर इसको देना है तो आपको दूसरे नंबर 2 पे क्लिक 2 दबाना है, ठीक है। इस टाइप से आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे, आसानी से कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी और इस तरीके से आप फॉर्म फिलअप करके अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं कमेंट का जवाब दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।